नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए एक नोटिफिकेशन लाया हूँ जिसमें आपको जॉब की डिटेल मैं आपको बताऊंगा। इस नोटिफिकेशन में दोस्तों छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए बहुत अच्छा जॉब है। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण डाक सेवक के लिए कुछ वैकेंसी निकला है दोस्तों। यह वैकेंसी 1137 पोस्ट है दोस्तों। अगर आप चाहें तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इस पीडीएफ में हम देखते हैं कि कौन कौन सा पोस्ट निकला है। यहाँ पर पहला दिया है ब्रांच पोस्ट मास्टर, जो कि बीपीएम होता है, और दूसरा जो पोस्ट है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। दोस्तों इन दोनों पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इस पीडीएफ में हम यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं, यहाँ डिटेल तीसरा दिया है डाक सेवक। यहाँ पर तीन प्रकार की जो वैकेंसी है इसमें निकला है, एक हो गया ब्रांच पोस्ट मास्टर, दूसरा असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और तीसरा दिया है डाक सेवक। दोस्तों इस पोस्ट में हम सैलरी की बात करें तो बीपीएम जो कि ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए 12,000 से 14,500 तक है, और एबीपीएम डाक सेवक के लिए 10,000 से 12,000 तक है। स्टार्टिंग में आपको बीपीएम के लिए 12,000 से 14,500 तक मिलेगा, और एबीपीएम डाक सेवक के लिए 10,000 से 12,000 तक का पेमेंट मिलेगा। दोस्तों इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी देखते हैं। यहाँ पर हम एज की बात करें तो यहाँ 18 से 40 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 8/3/2021 इसका स्टार्टिंग डेट है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं एज रिलेक्शन भी दिया गया है, जो कि SC/ST कैटेगरी के लिए 5 ईयर्स और अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए 3 ईयर्स, और यहाँ पर नीचे डिटेल में 10 ईयर 13 ईयर 15 ईयर जो कि आप इस पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम एडुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको 10वीं पास होना है। 10वीं पास कैंडिडेट यहाँ पर इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, आप जिस क्षेत्र में फॉर्म अप्लाई करते हैं वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोकल लैंग्वेज नहीं जानते तो आपको इस पोस्ट में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। देखिए दोस्तों यहाँ पर अलग अलग स्टेट की अलग अलग लैंग्वेजेस दिए गए हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश में लोकल लैंग्वेज है तेलुगु, असम में असमीस, बिहार में दिया है हिंदी, छत्तीसगढ़ में दिया है हिंदी, ऐसे ही बहुत सारे लैंग्वेजेस को जानना आपको बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इस पीडीएफ को आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके इसे अच्छे से देख सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो आपको भी पसंद नहीं आएगा। दोस्तों यहाँ पर क्वालिफिकेशन में और देखते हैं बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, आपके पास किसी भी प्रकार का बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग का नॉलेज होना चाहिए, और आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, और उस सर्टिफिकेट में कम से कम 60 दिन का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपके पास मिनिमम 60 दिन का कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट है तो आप इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों फीस के बारे में, तो आप अगर जनरल OBC या फिर EWS मेल हैं तो आपको 100 रुपये का पेमेंट करना होगा, और अगर आप फीमेल हैं तो आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना होगा, और SC/ST के कैटेगरी वालों को कोई भी किसी भी प्रकार का पेमेंट करना नहीं होगा। इसमें जनरल और OBC वालों को केवल 100 रुपये का पेमेंट करना होगा। अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो जनरल और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट इसमें 100 रुपया पेमेंट करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया देखते हैं, आपका सिलेक्शन इसमें केवल 10वीं के परसेंटेज के हिसाब से होगा। अगर आपका 10वीं का परसेंट बहुत अच्छा है और वहाँ पर किसी दूसरे का परसेंट थोड़ा कम है तो वहाँ पर आपका नंबर पहले लगेगा, अर्थात मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका जॉब इस पोस्ट में लगेगा। यहाँ पर नीचे देखते हैं हाउ टू अप्लाई,
इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए दोस्तों मैं आपको एक वीडियो बना के दिखाऊंगा। अगले वीडियो में मैं आपको इसका फॉर्म कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा। इस वीडियो में केवल मैं आपको नोटिफिकेशन बताने वाला हूं। दोस्तों इस पोस्ट में हम देखते हैं यह पोस्ट 8/3/2021 से 7/4/2021 तक इसका फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, आप वहां से डायरेक्ट क्लिक करके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर लास्ट में दिया गया है रजिस्ट्रेशन एंड फीस सबमिशन स्टार्ट डेट, जो कि 8/3/2021 से स्टार्ट है, और यहाँ पर एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिशन एंड डेट यहाँ पर दिया है 7/4/2021। 7/4/2021 तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं डिवीज़न दिया है और यहाँ पर आपको गांव का नाम भी मिल जाएगा यहाँ, और पोस्ट का नाम भी मिल जाएगा। यहाँ पर हम सैलरी भी देख सकते हैं और नंबर ऑफ पोस्ट कितना दिया है और किस कैटेगरी के लिए दिया गया है यह डिटेल हम यहाँ पर देख सकते हैं। आप अगर इसका फॉर्म अप्लाई करते हैं तो इस लिस्ट को आप पूरी तरह से अच्छे से देख लें, इसके बाद ही आप अपना फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि आप चाहते होंगे कि हमारा जॉब हमारे गांव के आसपास लगे, या फिर आप दूसरे ज़िला में भी दूसरे डिवीज़न में अगर जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अपना विलेज सिलेक्ट कर लें कि हमें इस जगह पे यह फॉर्म अप्लाई करना है। इसके लिए आप इस लिस्ट को अच्छे से एक बार देख लें। लास्ट में हम देखते हैं किस किस कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट निकला है। टोटल जो पोस्ट है 1137 पोस्ट हैं। अगर आप इसके लिए क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप इसका फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। इसका फॉर्म अप्लाई के लिए आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसका फॉर्म अप्लाई कैसे किया जाता है। आप घर बैठे केवल अपने मोबाइल से भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस नोटिफिकेशन में मैंने आपको ग्रामीण डाक सेवक BPM और ABPM के पोस्ट में जो वैकेंसी निकला है उसके बारे में बताया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।